दोस्तों आज मैं आपको फोन पे में अकाउंट कैसे बनाते हैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मोबाइल नंबर वेरीफाई से करने से लेकर केवाईसी तक और बैंक अकाउंट ऐड करने तक सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो आपको बार बार कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको चार पाँच बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको फिर कोई भी वीडियो नहीं देखनी होगी कि यार बैंक अकाउंट मेरा लिंक नहीं हो रहा है, ये एरर आ रहा है या वो एरर आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप जिस मोबाइल नंबर से अपना फ़ोनपे अकाउंट बना रहे हो उस सिम कार्ड के अंदर आपका रिचार्ज होना चाहिए। वो रिचार्ज कोई सा भी हो सकता है, 49 का या फिर अनलिमिटेड। तो रिचार्ज का मतलब ये है कि उसमें ऐसा रिचार्ज होना चाहिए जिससे कि आप उस सिम से SMS मैसेज भेज सके। तो ये कंपलसरी है, आपके पास SMS पैक होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी बात इसमें क्या है कि जिस मोबाइल नंबर से आप अकाउंट बना रहे हो वो सिम कार्ड उसी मोबाइल नंबर में होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि जिस मोबाइल नंबर से आप फोन पे अकाउंट बना रहे हो वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक होने चाहिए, या दोस्तों वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक होने चाहिए। और जो हमारी अगली है वो बात है कि जो मोबाइल नंबर से आप फोनपे अकाउंट बना रहे हो उन मोबाइल नंबर बैंक में से लिंक होने के बाद उस बैंक का आपके पास एक ATM कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बिना ATM कार्ड के आप उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए। जो हमारी एक लास्ट बात है वो है पास एक ID होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासवर्ड हो गया या फिर नरेगा जॉब कार्ड हो गया। आपको इन चारों में से एक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको KYC करनी होगी तो इनके ज़रूरत पड़ेगी। इनमें से आपके पास कोई एक है तो काम हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे आधार कार्ड से नहीं होगा क्या, दोस्तों आधार कार्ड का भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों अब ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो अगर आपने फोन पे डाउनलोड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने फोन पे डाउनलोड कर लिया है। अब आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगी। तो दोस्तों अभी आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो गया है। अब आपको सिंपली अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देने हैं। तो दोस्तों मोबाइल नंबर वही इंटर कीजिएगा जो आपने बैंक अकाउंट में दे के रखे हैं। तो यहाँ पे वही मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देने हैं। तो दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। अब आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और आपके सामने एक OTP आएगी, अपने आप ही यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से डालने की। तो यहाँ पे जो OTP है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। अब आपका अकाउंट इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो गया। अब आपको सिंपली ऐसे कट कर देना है। तो कट करने के बाद अब आपको सबसे पहले इसमें अपनी KYC करनी होगी। अगर आप KYC नहीं करोगे तो आप अपने जो वॉलेट होता है आपका फ़ोनपे का वो एक्टिव नहीं होगा। तो आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे और आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो प्लीज़ कंप्लीट योर KYC यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देख सकते हो इसके सामने इस तरह से पेज ओपन हो गया। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि चेंज पे क्लिक कर देना और यहाँ से आप जितने भी आप देख रहे होंगे इन सभी से अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे पैन कार्ड से मेरी KYC कंप्लीट करूँगा। तो मैंने पैन कार्ड पर क्लिक कर दिया। अब आपको अपना पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर डाल देने और यहाँ पर पैन कार्ड पर जो नाम है वही आपको इसमें डाल देना है। दोस्तों ध्यान रहे पैन कार्ड पर जो नाम है वो कैपिटल लेटर में है तो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों जैसे ही अपने पैन कार्ड की डिटेल डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो KYC है कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे ग्रीन टिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अपनी KYC यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको अपनी एडिट डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोफाइल आपको एडिट कर लेनी है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना फुल नेम डाल देना है और यहाँ पे अपनी कोई भी एक ईमेल ID आपको डाल देनी है, फिर अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दी है। अब आपको अपडेट चेंज पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों अपनी जीमेल आईडी डालने के बाद आपको इस जीमेल आईडी को वेरीफाई भी करना होता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई कर लोगे तो आपके जीमेल पर भी यहाँ पे SMS आने लग जाएंगे। आपने जो भी ट्रांजेक्शन करोगे ना अपनी जीमेल आईडी पर भी उसके मैसेज आएंगे। तो वेरीफाई के लिए सिंपली आपको वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे 5-डिजिट कोड बोल रहा है, यानी कि आपको अपनी जीमेल आईडी ओपन करनी है और उस पर 5-डिजिट का यहाँ पे कोड भेजा गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये होम वाला बटन होता है ना, आपको सिंपली ये प्रेस कर देना है सीधा डायरेक्ट। और जैसे आप ये क्लिक कर दोगे तो अब आपको अपना जीमेल का ऑप्शन है वो ओपन कर लेना है। जैसे देख सकते हो आप ये रहा।
और मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे आ गई है, ये है वो जीमेल आईडी, और इम्पोर्टेंट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे फ़ोनपे की तरफ से आ गया वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो OTP है आ गई है, तो आप देख सकते हो वेरिफिकेशन कोड हमारा ये रहा, तो आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको अपना ये यहाँ से बटन आपको दबा देना है जो इधर होता है लेफ्ट वाला, जैसे आप इसको दबा दोगे तो आप देख सकते हो फ़ोनपे यहाँ पे आ चुका है। फ़ोनपे आने के बाद अब आपको सिंपली इस जो आईडी OTP आई थी आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है। तो इस तरह आप अपनी जीमेल आईडी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अपनी UPI आईडी भी बता देता हूँ। तो आपको सिंपली माई UPI आईडी पे क्लिक कर देना है, और देख सकते हो ये रही आपकी UPI आईडी। दोस्तों UPI आईडी कब एक्टिव होगी, जब तक आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लोगे तो ये UPI आईडी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी मैंने बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं किया है। दोस्तों अगर नहीं पता है आपको UPI आईडी क्या होती है तो मैं बता दूँ शॉर्ट में। तो दोस्तों जब कभी भी आपको कोई भी पैसे भेजने होते हैं तो पहले क्या होता था कि आप अपने बैंक के मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर के नेम सब डालने पड़ते थे। परंतु UPI आईडी क्या होती है कि आप बस ये एक डालो, बस आप देख सकते हो ये मेरे मोबाइल नंबर और यहाँ पे @gmail.ybi लिखा है, बस ये डालो, बस सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। दोस्तों ये होती है UPI आईडी, अपनी बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे अभी आप और भी प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा रहा है फिनिश सेटअप, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब आपको अपनी यहाँ पे एक प्रोफाइल फ़ोटो अप लगानी है, और यहाँ पे ऐड ए कार्ड यानी कि आपके पास जो ATM है डेबिट कार्ड वो डाल देना है, और यहाँ पे ऐड एड्रेस, तो आपको अपना एड्रेस डाल देना है। आपकी प्रोफाइल यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह अपनी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप अपनी बैंक अकाउंट कैसे ऐड करोगे इसमें। तो सर इसके लिए आपको करना क्या है कि माई मनी पे आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो गया। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है, एक ऑप्शन है बैंक अकाउंट्स UPI ऊपर है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐड न्यू बैंक अकाउंट, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ध्यान रहे आप वही बैंक अकाउंट ऐड कीजिएगा, क्योंकि जिस बैंक अकाउंट में आपका ATM कार्ड है, क्योंकि बिना ATM कार्ड के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, नहीं तो आप किसी को पैसे भेज पाओगे, ना ही कोई रिचार्ज कर पाओगे। तो दोस्तों आपका ATM कार्ड है तभी आप इसमें बैंक अकाउंट लिंक करें। तो दोस्तों आपकी जो भी बैंक है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं, और आपको उस पर क्लिक करना है। तो इसके लिए आपके फ़ोन के अंदर क्या है कि रिचार्ज होना चाहिए, या तो 49 रुपये का रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपको SMS भेजा जाएगा, और SMS में आपके पैसे भी कट सकते हैं, या फिर आपके पास अनलिमिटेड वाला रिचार्ज होना चाहिए। तो दोस्तों आपको अपनी एक बैंक सेलेक्ट कर लिया, तो दोस्तों आपको अपनी एक बैंक सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ATM है नहीं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि दोस्तों अब मैं आपको जो होम वाला बटन है यहाँ पे आ जाना है, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से टू मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ से आप किसी भी बंदे को अपने मोबाइल नंबर डालकर आप पैसे भेज सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना, और आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुके हैं, और आप जिसे भी पैसे भेजना चाहे उसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका ये है, और दूसरा है इसमें बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप उनके बैंक अकाउंट नंबर डाल के, या फिर UPI आईडी होती है आप वो डालकर भी पैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप इसमें भेज सकते हैं। और यहाँ पे टू सेल्फ अकाउंट, यानी कि अपने ही अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हो तो यहाँ से भेज सकते हैं, और यहाँ से अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक सुविधा और क्या मिलती है कि यहाँ पे फ़ोनपे वॉलेट मिल जाता है, तो आपको सिंपली सेट ऑटो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपको यहाँ पे वॉलेट मिल जाता है। तो यहाँ पे इस वॉलेट में आप पैसे ऐड कर सकते हैं अपनी बैंक से। तो आपको बार बार छोटे मोटे काम आप यहीं से ही कर सकते हो, यानी कि आप कुछ पैसे यहाँ पे ऐड करके रखो, तो जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, वो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसे इसमें अकाउंट बनाना है। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।